हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलाग जयदेव। तो स्वागत है मेरे चैनल भावना की फाल में। और आज मैं न्यू दिल्ली रेलवे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन हूँ और हम उत्तराखंड जा रहे हैं। अभी तो 4 बजे की ट्रेन है, अभी आई नियर ट्रेन। और यहाँ से पहले हम हल्द्वानी जाएंगे, उसके बाद एक दिन हल्द्वानी रुक के फिर हम गाँव को जाएँगे। तो चलिए आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। साथ में मम्मी मैं और पंकज जा रहे हैं, पापा हमें छोड़ने आए हैं। तो अभी पापा मैं ट्रेन में बिठा के फिर चले जाएंगे वापस, पापा को गुजरात जाना है। कोई ना वीडियो बनाने पंकज का चश्मा टूट गया, पॉकेट में रखे फ्रेम टूट गया, दिखा बॉडी का। तो अभी हमारी ट्रेन आने वाली है उत्तराखंड संपर्क क्रांति। हाय मम्मी। हाय। तो मम्मी कन्नू को कुछ बोलना चाहती है। हाय कन्नू, बाय, गांव जा रही हूँ मैं, बाय। मम्मी कन्नू को बोल रही है, कन्नू दीदी का बेटा जिसके साथ मैंने लास्ट टाइम व्लॉग बनाया था, एक व्लॉग आपने देखा होगा कनिष्क सिंह मनकोटी वाला। तो उसको मम्मी बोल रही है कि मैं गांव जा रही हूँ, बाय। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, कहाँ गई ये रही। चलो। अभी इसमें हमें डब्बा ढूंढना है, हमारा डब्बा कौन सा है, D3 D5 में चढ़ना है अभी हमें। काठ गोदाम दिल्ली पर हम लाल कुआं उतर जाएंगे। भयंकर भीड़ हो गई यहाँ तो। हमें D5 में जाना है और इसके लिए हमें बहुत आगे जाना पड़ेगा शायद से। भीड़ में घुसते हुए ब्लॉगिंग करनी पड़ती है गाइस, देख सकते हैं आप गाइस बहुत भीड़ हो रही है और हम बस मंजिल में पहुंचने वाले हैं। ओह गॉड, रुक रुक रुक, चलो। तो गाइस हम भीड़ भरे संघर्षों के बाद ट्रेन में बैठ चुके हैं। हाँ अरे आजल सामान सब। तो पापा हमें ट्रेन में बिठा के अब जा रहे हैं, पापा को अब गुजरात जाना है ऑफिस के काम से। हैप्पी जर्नी, ओके बाय बाय, खड़ा हो जीत जीते रहो, हैप्पी जर्नी, आए जल्दी जल्दी, बाय बाय। तो ये जाना नहीं 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 नहीं, ये पलट। हीरोइन हमारी रोत नहीं रही, नहीं हीरोइन हीरोइन रोत नहीं रहे आंसू। अहो तो ट्रेन चलने लग गई है, 4 बजे की ट्रेन थी और 4:15 पे चल रही है। गाइस अभी ट्रेन चली थी और इसने खाना खोल लिया है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि इसको इतनी जल्दी भूख लग गई। फास्ट फूड खाने के आदत है, मोमोस खाने का टाइम है मेरा। तो मम्मी घर से बना के लाई थी रोटी सब्जी, तो अब ये खा रहे हैं आलू के गुटके और रोटी। रोल बना दे एक 10 रुपये। आलू रोल आलू गुटक रोल। तो गाइस अभी हमने चिप्स लिया फैमिली पैक 30 रुपीज का, देख सकते हैं कितना बड़ा है। और अंदर देखिए हम धोखा दुम तना दुम तना मेरे ना, ये तो पंकज ही खा जाएगा सारा। तू हवा खा सकती है। मैं सिर्फ हवा खा सकती हूँ, पंकज पूरा चिप्स खा जाएगा।
क्या सोच के बनाया होगा इसमें हवा ही चिप्स से ज़्यादा महंगी हवा होती है चिप्स तो ये एक आलू के होंगे हाँ उसमें हवा होती है ना उनको सेफ रखने के लिए उससे ज़्यादा महंगी होती है 6 बज चुके हैं अंधेरा हो गया है मम्मी को नींद आ गई अरे उठी है मम्मी मम्मी उल्लू बनाए थे हाय मम्मी उठी है अभी पड़ जाए स्वेटर नहीं ला रही आते अभी ठंडा नहीं हो रहा बोल रही है अभी होएगा ठंडा हल्द्वानी पहुँचने तक तो हम पहुँच चुके हैं लाल कुआं रात के 10 बजे 10:30 हो गए चलो मम्मी उतरो ये हम आओ पे एक बार थैंक्स तो अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और मेरे माइक की आवाज़ जो है इसमें आ नहीं रही थी कुछ वायर खींच गया था सामान उठाते वक्त तो मैं इसमें बैकग्राउंड में बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैं बाहर आ गए थे हम ऑटो ढूंढ रहे थे यहाँ पे माइक की आवाज़ नहीं आई छोटा चेतक सारा सामान एडजस्ट कर दिया है ऑटो में ऑटो नहीं है खुला ऑटो है यहाँ का अब हम यहाँ से चल रहे हैं जल्दी पहुँच गए ट्रेन लेट हुई थी आधा घंटा फिर भी हल्द्वानी वालों मैं आ चुकी हूँ प्लीज़ हल्द्वानी की रोड सही करवा दो बहुत ही ज़्यादा ओबड़ खाबड़ हो रही है हार्ट अटैक आ गया मेरे को तो रिक्शे में भी ऊपर से धूल इतनी भयंकर वाली जब मोदी जी आए थे रातों रात पूरी रोड चमका दी थी और अब देखो फिर से वही हाल हो गया गाइस हम भबरी गए हैं यहाँ पे रात को वहाँ से अंदर को रोड जाती है फिर वहाँ पे दुकान नहीं है वो अंदर घुस के फिर यहाँ से तो गोरा पड़ाव आ गया ना ऊपर को हाँ पीछे चलते हैं फिर तो अभी हम पहुँच चुके हैं रात के 11 बजे थोड़ा रास्ता भटक गए थे बट पहुँच चुके हैं फाइनली तो गाइस देखिए आप चांदनी चुफाल देखा ही होगा आपने इनको रील्स में चांदनी अभी हमारे लिए खाना बना रही है इतनी मेहनती लड़की मैंने आज तक नहीं देखी गाइस क्या बना रही हो मैम आप आज इतना क्यों शर्मा रहे हो फर में टाल जैसा क्या डाला है यार पर्स लाइक यार जाड़ा हो रहा था वो वीडियो मेरे पास है अभी आप इनके पहाड़ी हाँ देख रहे हैं खुशी देख रहे हैं तो जब हम रेलवे स्टेशन से निकले तो उन्होंने बोला कि हमारा ऑटो है फिर जब हम बाहर गए तो वो ऑटो नहीं था उनका वो इलेक्ट्रिक टुक टुक था और उसमें इतनी धीरे स्पीड में चल रही थी 20 की स्पीड से वो चल रहा था और ऊपर से लाल कुआं से आ गए कि रोड इतनी खतरनाक थी पूरा सामान को संभाले हम खुद सामने समझ ही नहीं आए ऊपर से क्रीम पाउडर और लग गया इतनी धूल थी कदो बुतकर छोड़ हुई हो बाप रे देख रहे आप पिछले व्लॉग में ये मेरे बॉडीगार्ड बने थे इस व्लॉग में ये मेरे शेफ हैं कुक हैं आलू का पराठा बना रहे हैं परोठा आलू परोठा बन चुके हैं इसके इस पराठे पर मेरे सालों की मेहनत है मेरे सालों की रेसिपी है स्वादिष्ट पराठे कैसे कर लेता हूँ मैं ये मेरे हाथ में जादू है तो गाइस फाइनली पराठे बन चुके हैं इसके पराठे अरे कोई खाएगा कोई नहीं खाना चाहता मेरे हाथ का किसी को खाने तो कमेंट्स में आप इसका होटल है कि यहाँ पे जल्दी हम होटल खोलने वाले हैं रेस्टोरेंट हल्द्वानी में
जिसमें शेफ होंगे पंकज सिंह और मेरे अंडर काम करेंगे कुछ लोग, इसका पति रहेगा बाद में। हां ध्यान दे पंकज, वो मेरे अंडर काम करेगा, झाड़ू पोछा लगवाऊंगा, मारूंगे दो स्वाद। तो अभी पंकज खा रहा था पराठे, तो धीरे धीरे हमने भी खिसका लिया। अब धीरे धीरे खा रहे हैं, आज अच्छे लग रहे हैं पराठे, देखिए इसको भूख लगी है, भी खा लिए। अरे प्लेट प्लेट हमारे कब्जे में, ये यहाँ पे चुपचाप बैठ गए। मैं इसको सादा पराठा दे दिया। अच्छे पराठे बनाए हैं, रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा हमारा। तो गाइज हमने अभी सारे पराठे खा लिए हैं, पंकज के लिए बचे ही नहीं, वो दोबारा बना रहे हैं पराठे हम अपने लिए। रोज खाना बनाएगा तो हम तंदुरुस्त हो जाएंगे, हट्टे कट्टे मोटे मोटे गाल बिल्कुल फुले फुले। मैं तो पतला हो जाऊंगा चलेगा। अभी रात के 12:12 हो रहे हैं और बाहर श्याल आ रखे हैं, सच में आ रखे हैं श्याल, बाहर निकाल रहे हैं। देखो देखो पराठे खाने हैं मेरे हाथ के पराठे, तो आप आ सकते हैं हल्द्वानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रेस्टोरेंट खोलूंगी तो आ जाना। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मम्मी के सामने पहले आप व्लॉग बनाए तो मम्मी ऐसे देख रही है। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।